वैलेंटाइंस आने वाला है तो क्यों ना बनाए जाए सुपर सॉफ्ट और यमी रेड वेलवेट कपकेक्स, जो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड रेसिपी है। और इसे हम बनाएंगे बिना अंडे के और बिना ओवन के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनेगा घर पे। और इसके साथ मैं आपको बताने वाली हूँ उस बहुत ही सुपर क्रीमी और टेस्टी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इजी रेड वेलवेट कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले बोल में मैं ले रही हूँ दूध। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप दूध लिया है एंड मेरे कप का मेजरमेंट 250 ml है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 teaspoon भर के विनीगर। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि दूध फट जाए, और इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं ले रही हूँ रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर। तो ये 1/4 कप बटर है, और अगर आप माप से देखेंगे तो 50 ग्राम्स ऑफ बटर। और यहाँ पे मैं सॉल्टेड मक्खन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अनसॉल्टेड मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप ऑफ पाउडर्ड शुगर, और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये बीटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और जो मिक्सचर है ना लाइट और फ्रॉथी हो जाए। तो इनिशियली मैं थोड़ा इसको लो में मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपको लगेगा मिक्स होते जा रहा है, उड़ रहा नहीं है, तो उसके बाद स्पीड इसकी बढ़ा देंगे और इसको और बीट करते जाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से लाइट और फ्रॉथी ना हो जाए। तो ये देखिए मिक्सचर हल्का हो गया, तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी 1 teaspoon वनीला एसेंस और इसको भी अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया, एकदम स्मूथ है, एकदम सॉफ्ट है, और ये काफ़ी फ्लफी और लाइट लग रहा है। तो इसको साइड में रख देंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स। लेकिन उससे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बड़ी सी कढ़ाई रखी, इसको प्रीहीट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है स्टैंड, और इसके ऊपर मैं प्लेस करने वाली हूँ ये वाली प्लेट। तो आप अपने हिसाब से कोई भी स्टैंड कटोरी रख सकते हैं जिसमें आपकी आपको प्लेट रखना है। इसको ढक के प्रीहीट होने देंगे 10 मिनट के लिए, कम से कम मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक ये प्रीहीट हो रहा है, चलिए अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेते हैं। तो अब इस बोल के ऊपर रख देंगे हम छन्नी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। 1 कप भर के मैं मैदा डाल रही हूँ, 250 ml कप मैं यूज़ कर रही हूँ सारी चीज़ों के लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 tablespoon भर के लाइट कोको पाउडर। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क अगर आपको कोको पाउडर रहेगा ना तो आप आधा टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 tablespoon कोको पाउडर डाला है, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon ही बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे जैसे इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, और अब सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स करते जाएंगे पहले स्पैटुला से, और अब इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा दूध भी अच्छे से फट गया है। अब दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसको विस्क करते जाएंगे या फिर मिलाते जाएंगे। तो ऐसे लगातार बीट करते जाइए और दूध ऐड करते जाइए इन बैचेस, जब तक एकदम स्मूथ और एकदम लम्प फ्री ना हो जाए। तो ये देखिए मैंने पूरा दूध ऐड कर दिया है, मिक्सचर अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है, और बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी भी नहीं, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड फूड कलर। तो मार्केट में बहुत सारे फूड कलर अवेलेबल है, एंड अगर आपको रेड वेलवेट कपकेक्स बनाने हैं ना फ्रेंड्स, तो इसमें जेल फूड कलर यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का फूड कलर यूज़ कीजिएगा। और इसको भी मिक्स करते जाएंगे जब तक ये रेड फूड कलर अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए, और वो जो परफेक्ट कलर है ना, परफेक्ट रेड कलर आपको मिल ना जाए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और रेड फूड कलर ऐड किया, ये देखिए बिल्कुल इस कलर का हमें मिक्सचर चाहिए, बैटर चाहिए, तो ही वो आपके परफेक्ट रेड कलर के कपकेक्स बनेंगे। ये देखिए थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है और परफेक्ट रेड कलर है। तो आप थोड़ा और फूड कलर ऐड कर सकते हैं इसको एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ आप इसको किस में बेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये कपकेक मोल्ड है, यहाँ इसमें आप ऐसे थोड़े पेपर लाइनर्स डाल के इसमें आप बेक भी कर सकते हैं अगर आपको बेक करना है तो। पर मैं ये वाला मोल्ड नहीं यूज़ करी क्योंकि ये मेरे कढ़ाई में फिट नहीं आ रहा है। मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाले पेपर कप्स, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आप चाहें तो जिसमें चाय पीते हैं ना डिस्पोजेबल कप्स, उसमें भी बना सकते हैं कपकेक्स। और क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा क्लीन हो जाए इसके लिए मैंने इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर दिया इस पाइपिंग बैग में, और अब इसको फिल कर लेंगे। तो सारे कपकेक्स अच्छे से फिल कर लीजिए, पूरा नहीं भरना है फ्रेंड्स, 3/4 portion तक के भरना है क्योंकि थोड़े से राइस होते हैं।
तो सारे मैंने भर दिया। अब इसको टैप टैप करेंगे दो बार ताकि थोड़े से सेटल हो जाएं, और इसके बाद इसको प्लेस कर देंगे कढ़ाई में। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, डायरेक्टली प्लेट में प्लेस नहीं कर पा रही थी विद द कपकेक्स। तो सबसे पहले मैंने प्लेट डाल दिया, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ सारे ये मोल्ड्स। तो सारे मोल्ड्स डाल दीजिए इसमें, और अब इसको कवर करके लो फ्लेम पे पकाना है फॉर 20 to 22 minutes। ये देखिए बीच में आप देख सकते हैं, करीबन 5 से 6 मिनट के बाद थोड़े से राइज हो रहे हैं, एकदम परफेक्ट रेड कलर आया, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप बेक करना चाहते हैं तो इसको बेक कीजिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 17 minutes, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर मोल्ड। मतलब अगर आपका मोल्ड थोड़ा बड़ा है या छोटा है तो 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, तो 10 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे बेक किया करीबन 20 से 21 मिनट के लिए। खोल के चेक करते हैं, देखिए टूथपिक आप डालेंगे ना तो एकदम क्लीन निकल रही है, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गया है। और अब मैं आपको एक कपकेक उठा के भी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा राइज आया है इसमें, और इसने ना साइड्स छोड़ दिए, देखिए आपको दिख रहा है कप में से थोड़े साइड्स छूट गए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से बेक हो गए। तो बस इसको निकाल के साइड में रख देंगे, ठंडा होने देंगे, तब तक हम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने बोल में लिया है ठंडी 1 कप व्हिपिंग क्रीम, आप कोई भी ब्रांड की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैं डालूंगी 1 tablespoon ऑफ पाउडर शुगर, और इसको बीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको लो में बीट करेंगे, लो स्पीड में, और जैसे जैसे आपको लगेगा ना कि क्रीम व्हिप होते जा रही है, आप इसको थोड़ा सा हाई स्पीड में व्हिप कर सकते हैं, जब तक कि सॉफ्ट पीक्स या फिर थोड़े स्टिफ पीक्स ना आ जाएं। और व्हिप क्रीम कैसे बनाना है राइट फ्रॉम स्क्रैच, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है मेरे चैनल में, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो इसको लगातार व्हिप करते जाएंगे, इसे व्हिप करने में बस 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, बस आपकी क्रीम अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो मैंने अब इसको हाई स्पीड पर भी 2-3 मिनट व्हिप कर लिया, ये देखिए थोड़े से स्टिफ पीक्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी 100 ग्राम्स या फिर आप चाहें तो 4 to 5 tablespoons ऑफ क्रीम चीज़। इसी से बहुत अच्छा स्वाद आता है रेड वेलवेट कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग में, एंड यही मेन इंग्रेडिएंट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये वाली क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ, बहुत ईजिली मिल जाती है मार्केट में। और इसको भी बीट कर लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर वो दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाए और बीट ना हो जाए। तो बस ये देखिए हमारी परफेक्ट क्रीमी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में, तो यहाँ पे मैंने स्टार शेप नोजल डाल दिया, इसको पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे फ्रॉस्टिंग के लिए। तो चलिए मैं आपको एक कपकेक सबसे पहले खोल के दिखाती हूँ फ्रॉस्टिंग करने से पहले। ये देखिए मैंने पूरा ऐसे फाड़ लिया, और अभी इस वक्त थोड़ा सा ही गर्म ही, हल्का गर्म है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुपर सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी है, और चारों तरफ से ना एकदम पोरस है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब इसको फ्रॉस्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम निकाल देंगे डिज़ाइन और स्वर्ल, जिसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको ऐसे स्वर्ल्स में राउंड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी शेप का नोज़ल लगा सकते हैं, आप चाहे तो बिना पाइपिंग बैग के भी स्पून से ऐसे ही फ्रॉस्टिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो सारे में फ्रॉस्टिंग डाल देंगे, वाओ लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल और ऐसे कैफे स्टाइल। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से पीसेस ऑफ रेड वेलवेट कपकेक, मतलब एक कपकेक जो थोड़ा सा मैंने इस हाइट में से तोड़ गया था उसको मैंने ऐसे तोड़ लिया पीसेस में। अब मैं आपको कपकेक खोल के भी फ्रॉस्टिंग करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता तो चले कि अंदर से कैसे दिख रहे हैं कपकेक्स। तो मैंने कुछ कपकेक्स खोल दिए, इसके ऊपर भी हम फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे, सारे में लगा लेंगे, और इसको भी टॉप अप कर लेंगे इसके चूरे के साथ। वाओ ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे कपकेक्स। आप चाहे तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं, बच्चों के लिए कलरफुल एडिबल बॉल्स भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। फ्रेंड्स ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं,
ऐसा लग रहा ही नहीं कि इसे मैंने घर पे बनाया और बिना अंडे और बिना ओवन के। तो चलिए मैं आपको एक काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर सॉफ्ट, सुपर स्पॉन्जी, अंदर से भी एकदम ही मॉइस्ट। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के सुपर मॉइस्ट, फ्लेवरफुल और सॉफ्ट रेड वेलवेट कपकेक्स? इसे आप एंजॉय कीजिए अपने वैलेंटाइंस के साथ। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट रेसिपी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।